आज हम जा रहे हैं चेस प्रो के डलवाने रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में। ऑथराइज सेंटर सामने है, आपको शायद यहाँ से विजिबल नहीं होगा, तो चलते हैं देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि जो कंडीशन है अभी बाइक की वो ऐसी है कि इस बाइक को कहीं भी टूर पर अभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि आवाज़ आ रही है चलने में, चैन आवाज़ कर रही है, स्प्रॉकेट की प्रॉब्लम है और नए डिस्क पैड डले हुए हैं इसमें फ्रंट और रियर दोनों में और टाइट चल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज मुझे इसमें दूर करानी है इसकी, तो चलिए चलते हैं आगे। हेलो एंड वेलकम टू बुलेट राजा वंस अगेन। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चैन स्प्रॉकेट की प्रॉब्लम और मेनली जो थी चैन की प्रॉब्लम ज़्यादा थी मेरी बाइक के अंदर, तो मैंने कल जाकर अपनी बाइक का जो चैन स्प्रॉकेट है और चैन का जो सेट होता है पूरा वो चेंज करा लिया है। आप देख सकते हैं, आपको जो नया चैन स्प्रॉकेट है वो मैं दिखा देता हूँ। ये नया चैन है, नया चेन है और नया चेन स्प्रॉकेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बोल्ट लगा हुआ है ये मिडिल में है, और जब मेरा चेन या चेन स्प्रॉकेट दोनों ही ख़राब हो गए थे तब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये शो किया था कि ये बोल्ट बिल्कुल पीछे जा चुका था, यानी कि ये स्लाइड होते 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 यहाँ तक आ गया था। ये भी ऑप्शन था मेरे पास कि मैं केवल चेन डलवाता हूँ तो चेन पड़ जाती इसके अंदर, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि अगर मैं चेन इसमें डलवाता हूँ तो भी काम कर सकता है, लेकिन फिर वही 10-12 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद फिर से इस स्प्रॉकेट में अगर समस्या आती तो वो भी मुझे चेंज कराना पड़ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नई चेन है। आप यहाँ पर मैं फोकस कर देता हूँ इसको, देखिए बिल्कुल नई चेन है और चेन स्प्रॉकेट भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। आप ये देखिए चेन स्प्रॉकेट जो है यहाँ पर ठीक क्वालिटी है उनकी और बिल्कुल नए हैं। थोड़ी सी क्रीसिंग ऑयलिंग स्प्रे लगा होगा जो भी है, और पुराने अगर मैं बात करूं जो मेरी बाइक में निकाले हैं वो मैं लेकर आया था। आप जब भी चेन स्प्रॉकेट नए डलवाएं तो जो पुराना अपना आइटम है वो लेकर आएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुराने वाले चेन स्प्रॉकेट हैं। अब आप देखिए ये बहुत ज़्यादा घिसे हुए नहीं हैं, मतलब ये कंडीशन में ठीक है, ये चेन स्प्रॉकेट जो है वो चल सकते थे अभी, लेकिन जो चेन है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। देखिए ये चेन है पूरी और मेरे हाथ थोड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर वाला होता है, मतलब बिल्कुल थोड़े बहुत ही कुछ ख़राबी ऐसी नहीं लगी मुझे। अगर मैं चेन डलवाता खाली तो उसे भी काम चल जाता, बट चेन जो है वो उसके डलवाने का कॉस्ट जो है लेबर चार्ज के सहित पड़ जाती समथिंग अराउंड 1000 रुपीज़ की, और चेन स्प्रॉकेट जो डला है पूरा सेट वो 2500 रुपये का करीब डला है आफ्टर डिस्काउंट 20% ऑन लेबर। सो यू कैन सी दैट अब गाड़ी को चलाने में कोई भी किसी तरह की आवाज़ या कोई भी किसी तरह का वाइब्रेशन या कोई परेशानी ऐसी अब कोई भी नहीं आ रही है मुझे। तो जो नया सेट है चेन स्प्रॉकेट का वो मुझे चेंज कराना पड़ा है मेरी गाड़ी में 18,800 किलोमीटर के बाद। तो आप अपनी गाड़ी में कब कराना चाहें, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर चेन स्प्रॉकेट सही है तो केवल आप चेन भी इसमें डलवा सकते हैं। अब मैं आपको बिल दिखा देता हूं कितने का बिल हुआ था और क्या डिस्काउंट मुझे मिला था। तो यहां आप देख सकते हैं ये इनवॉइस है रॉयल इनफील्ड की, और बाकी डिस्क्रिप्शन आइटम में देख सकते हैं आप जो लेबर है चार्जेस वो 3375 एंड GST 9%, CGST 40 रुपीज़, सब मिलाकर जो हुआ 531। इसमें मुझे 20% का डिस्काउंट मिला है, अदरवाइज़ ये 600 कुछ समथिंग होता है, बट 20% का डिस्काउंट मुझे दिया गया है लेबर पर। और बाकी आप पार्ट्स डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, चैन स्प्रॉकेट किट जिसका प्राइस अब बढ़ गया है, पहले ये कुछ 1700 का था लेकिन अब 1890 का कुछ करीब हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो प्राइस है वो ये है GST CGST सब मिला के ये आपका टोटल 1990 का अब पड़ता है, सॉरी 1890 नहीं था 1990 का आप ये पड़ता है, पहले 1700 का पड़ता था। एक गैस्किट कवर RH डला है तो उसकी कॉस्ट है 57 रुपीज़, एंड कॉपर एग्जॉस्ट गैस किट जो है उसकी जो है वो है 28 रुपीज़। तो टोटल मिला के 2076 रुपीज़ का पार्ट्स डले हैं और 531 रुपीज़ का जो है वो लेबर चार्ज है। तो मेरा टोटल जो आ रहा था 2607 आ रहा था थोड़ा डिस्काउंट देने के बाद, और
2528 मुझे देना पड़ा है। तो ये पूरे पार्ट्स की जो है कॉस्ट आती है अगर आप सोच रहे हैं नया चेन स्प्रोकेट चेंज कराने की। अगर आप केबल चेंज कराएंगे तो 1000 रुपये में आपकी चेन चेंज हो जाएगी। तो यही था, इतना ही काम कराया है मैंने कल बाइक में, और धुलवाई थी लेकिन बारिश का पानी पड़ने के कारण थोड़ी सी गंदी हो गई है, इसको फिर से धोना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।